हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है दिवाली से अगला दिन, बट आज गोवर्धन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पे मंदिर में ही अनाउंसमेंट होती है जब भी कोई त्यौहार होता है किस तरीके से मनाया जाएगा, आज है नहीं है। तो अभी 1 बजे तक मावस है जिसकी वजह से हम लोग गोवर्धन पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हम कल गोवर्धन मनाएंगे। बट अभी मैं उठ चुकी हूँ, हम लोगों ने सफाई कर ली है, ठीक है। और आज हम आलू बैंगन बना रहे हैं, सब्जी वो आपको आगे देखने को मिलेगी। और अभी मैं कर लेती हूँ पहले जो दिए कल हम लोगों ने जलाए थे वो मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, ये है दिवाली के अगले दिन का ब्लॉग जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की सफाई और सुबह हो चुकी है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मम्मी ऊपर से दिए वगैरह इकट्ठे करके आई होंगी और यहाँ पे मैं सफाई कर लूँगी। इतने में दीदी भाभी जो है मेरी वो खाने की तैयारियाँ शुरू कर लेंगी, साथ ही साथ मिलकर हम सारा काम निपटा लेंगे। पानी तरह खाइए यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं अमरूद पेड़ से। बहुत हरे हरे पेड़ लग रहे हैं, अमरूद लग रहे हैं यहाँ पे देखिए। ये पूजा जी यहाँ पे लगी हुई है, दिख भी नहीं रही है कहाँ से तोड़ रही है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अमरूद लग रहे हैं, देखिए और ऊपर और भी लग रहे हैं वो देखिए। हम जब भी आते हैं यहाँ के अमरूद जरूर खाते हैं, इतने मीठे होते हैं ना, कच्चे और मीठे एकदम। ये है हमारी छोटी नंद, इनका नाम भी प्रिया है, मेरा नाम भी प्रिया है, हमारी छोटी जीजी है। ये है पूजा जी, अमरूद तोड़ रही थी, इन्हें अमरूद दिखाई नहीं दिए, बट यहाँ पे बहुत सारे अमरूद लग रहे हैं, अभी छोटे हैं अभी। डंडा लग गया तो और चिड़िया ने खा लिया। लेके ये धोया भी ना
प्रॉमिस किया था मैं अपने बॉस के लिए लेके जाऊंगी, पर पपीते कच्चे थे ये मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं आई पुष्पा देवी बैठी है। क्या सोच रही है पुष्पा देवी? नौ बजे तो मेरे को आ रही है सवेरे को 7 बजे तो धरो कल को 9 बजे तो पहले पहले पूजो गए पाठ दो 4 बजे तो पीछे धर दो सवेरे को 9 बजे पूज पा दो रात बसेरा। किसने बताई है? हम बता रहे हैं ये हमारे ताई पंडित जी। तो गाइस अभी गोवर्धन की असमंजस है कि कब रखना है, पुष्पा देवी चिंतित है। चिंता हो जा पर कभी ऐसे ही दिक्कत हुई है और जो कोई त्योहार ही ना ढंग से हो ये पढ़िया पंडित जन कहाँ से बना दिए ऐसे नहीं उलझाड़े। तो अभी पता नहीं चल रहा गोवर्धन कब का है, पता नहीं कब होगा जब होगा हम तभी हाँ बताते ही रहे आनंद मजे बना रही है हमारा खाना चूल्हे पे खाना बन रहा है तो चूल्हा क्यों ही नहीं। आलू बैंगन की सब्जी बन रही है, ये बीरबल की खिचड़ी हो गई। बन गई ही मेरी आज। ये सुबह से बन रही है पर अभी खत्म नहीं हुई है। ये देखो बन गई है, तो फाइनली बन गई है आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन तो दिख ही नहीं रहे, बैंगन इनविजिबल हो चुके हैं, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे यहाँ पे। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये वाला पेड़ कौन सा है, मम्मी ने कदम का पेड़ बताया और साथ ही गीत गाने लग गए। गीत सुन लो मम्मी का। तो ये वाला कदम का पेड़ बता रही मम्मी, इस पर फल भी आ रहे हैं पता नहीं। हमने भी एक पोयम सुनी थी ये वाला, पढ़ी थी 5th क्लास में, कदम का पेड़। तो ये कदम का है पेड़, अमरूद जैसे फल है, अमरूद और कदम एक साथ, पता नहीं चल रहा अमरूद कौन सा कदम कौन सा। जो ज्यादा बड़ा है वो कदम का पेड़ है, जो छोटा है वो अमरूद का पेड़। कदम के फल भी अमरूद की तरह है। हाँ तो कौन सा गाना, गाना सुनो माता जी, गाना सुनाइए, सुनाओ माता जी, गाओ। मम्मी की ढोलक और गाना मैच नहीं कर रहा, ढोलक पीछे चल रही है। तो यहाँ मम्मी ने ऐसा गाना गाया कि बिल्ली भी सुनने आ गई है। ये ऑडियंस बहुत क्यूट लग रही है। ये मम्मी की ऑडियंस आ रही है। यहाँ गाना मम्मी गा रही है और यहाँ मम्मी की ऑडियंस।
ये बहुआ बहु ताली बजाते हुए। तो मम्मी ने भजन गा लिया, मम्मी कह रही अरे मैं तो गलत गा लिया, एक गा दिया, एक एक मम्मी ने कल ही गलत गा दिया इसमें से। पर कौन सी मम्मी? दोबारा दोबारा तो दोबारा हो जाए, करेक्ट करो दोबारा से जो गलती हो गई। दूसरा दूसरा क्योंकि एडिट नहीं होगी वीडियो, ऐसे ही जाएगी। गलत को सही करो। अभी पॉज लेते हुए, अभी याद नहीं आ रही। नहीं आ रहा तो अभी मम्मी याद कर रही है, तब तक हम खाना खा लेते हैं। खाना बनने लग गया वहाँ पे। ऊपर देखो कौन आ गया। ये ऊपर हमारी दीदी। दीदी? ये हमारी दीदी की 50 साल की एज हो चुकी है। देख सकते हो 50 साल की लड़की। ये है बड़ी बहन, ये इसकी छोटी बहन। तो हेलो गाइस, अभी हम धोने वाले हैं बाइक। यहाँ पे हम पहले अभी चला देते हैं अपना। ये हमने समर चला दिया है, अब हम ये बाइक धोएंगे। यहाँ पे खड़ी है ये हमारी बाइक है 75 लाख रुपए की, इसको धोएंगे हम। ये दीदी खड़ी हैं, इनकी शक्ल बताओ ज्यादा अच्छी है या बाइक ज्यादा अच्छी है? ध्यान से देखो इस शक्ल को। तो अभी यहाँ पानी में सरफ मिला लिया हमने, इसको यहाँ पे इसको धोते हैं। मिस्टर प्रिंस खैर अपनी बाइक की रगड़ाई, बहुत लंबे समय से बाइक हम लोग वॉश नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑफिस जाने की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अभी ये जब भी गांव आती है हमारी बाइक, ये ऐसी चमक कर जाती है और फिर दोबारा सड़ जाती है। चमका देंगे मिस्टर प्रिंस अब इसको। तो ये बाइक हो गई धुल के तैयार, अब ये चमकगी नहीं होगी। तो अभी देखते हैं, अब खुद नहाएंगे। ऐसे ये झांक रही है इधर से देखे जा रही है, इसने मुंह भी नहीं धोया। ऊपर देख, दांत दिखा, दांत दिखा अपने, ई जल्दी। इसके दांत ब्रश भी नहीं करती। जो लेना वो ले लो। ये हमारी दीदी वीडियो कॉल से बात कर रही है, बट इनसे आया नहीं जा रहा।
खर्चा करने के नाम पे मारी थी कि ना आवाज नहीं आती। वीडियो कॉल से बात कर रही है, नहीं जा रहा यहाँ बहस होते हुए कि सतिया उल्टा है। आप हमें बताइए सतिया सीधा है या उल्टा है, बहुत बड़ी। तो अभी आप कमेंट में बताने सीधा है या उल्टा है। ये बोल रही है सीधा है, ये कह रही है उल्टा है। अब कौन है विनर? अभी हमारी आंटी जी ठीक है या फिर हमारी भाभी जी, फैसला आप करें। तो घर से बाहर करो इसे। क्यों, तुम्हारे घर पे हूँ मैं। और तुम्हारे घर बन लूंगा रे। दूसरे घर का कूड़ा अड़ा है, देखिए मुंह दिखा, शकुंतला जैसी लगा है। देखो गाइस, छोटी शकुंतला, शकुंतला शकुंतला पेपर हटा। मेरे पापा का पेपर है। क्या है पापा का? क्यों बताऊं? तेरे पापा कौन से एग्जाम दे रहे हैं? वो क्या कह रहे मरीजों के लिए। मरीजों के लिए क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्यों बताऊं? शकुंतला दुनिया जानना चाहती है। शकुंतला नीचे करें ये। शकुंतला रुको, देख लो यहाँ की ये चोर। देखिए बच्चे तो ये वीडियो बना रहा है। गाइस देखो ये चोर आ रही है। ओए क्या कर रही हो? चोर नहीं है ये। गाइस ये चोर नहीं है, दीवार से आई है। तो पूजा यहाँ पे शायरी सुना रही है। नहीं आता था पर किसी ने रोना सिखा दिया, बोलने में मायर अम्मी थी, किसी ने रोना सिखा दिया। आजा तो गाइस आप ये सुनकर रो भी सकते हैं, घर से भाग भी सकते हैं।